दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, दैट इज द इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक जो चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट होता है, जो कि अदर जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर नहीं होता। लाइक एग्जाम्पल फॉर जावा, .NET, PHP, इनके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, लेकिन पाइथन के अंदर ये इनहेरिटेंस सपोर्टेड है। तो चलिए अपन इनहेरिटेंस को स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस हमेशा दो क्लासेस के बीच में होता है, ये चीज़ हम क्लियरली जानते हैं, जिसमें एक क्लास पेरेंट क्लास होती है और दूसरी अपनी चाइल्ड क्लास होती है। व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, इनहेरिट्स ऑल फीचर्स लाइक वेरिएबल मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। एक्चुअल में इनहेरिटेंस का जो पर्पज़ है वो है रीयूजेबिलिटी के लिए, यानी कि आपने एक क्लास के अंदर जो मेथड्स डिक्लेयर किए हुए हैं, अगर आप उन्हीं मेथड्स को दूसरी क्लास के अंदर भी यूज में लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अ न्यू चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली गेट्स ऑल ऑफ द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास। यानी कि अगर आपने इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर दिया, तो जो पेरेंट क्लास बनाई है उसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड आपने बनाए हुए हैं, उनको डायरेक्टली आप अपने चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज ले सकते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि इनहेरिटेंस को पाइथन के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इनहेरिटेंस को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक नया पाइथन फाइल बनाता हूं, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। ओके, ये मैंने एक पाइथन फाइल बनाई। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, जिस क्लास के अंदर जो कि मेरी पेरेंट क्लास होगी। जैसे मैंने लिख दिया क्लास पर्सन। ओके, ये मेरी एक क्लास हो गई और जो कि इनहेरिट करती है बाई डिफॉल्ट इनहेरिट करती है किसको, ऑब्जेक्ट को। अगर ये लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके मेंबर वेरिएबल को डिक्लेयर यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँगा, तो इनिट मेथड का यूज़ करके हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को अच्छे से समझाया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम के नाम से, और ये कंस्ट्रक्टर करेगा क्या, ये कंस्ट्रक्टर करेगा आपका एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, जिसे यूजिंग सेल्फ कीवर्ड आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करें और उसे इनिशियलाइज कर दें जो आपने वैल्यू असाइन की है यहाँ पर। और इसी तरीके से एक मेथड और मैं यहाँ बनाना चाहूँगा, जो कि गेट डिटेल्स के नाम से होगा, जो कि डिटेल्स को लेके आएगा जो भी आपने यहाँ पर सेट की हुई है, गेट डिटेल्स। और गेट डिटेल्स के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ आप रिटर्न करा देंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, आपको सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि आप मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सेल्फ को लिख दीजिए और फिर यहाँ आप लिख सकते हैं सेल्फ डॉट और नेम, जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है। तो दो मेथड आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिए, एक तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है, इसे भी मेथड ही बोलते हैं, वैसे मेथड ही होता ही है, और दूसरा आपने एक नॉर्मल मेथड डिक्लेयर कर दिया गेट डिटेल्स के नाम से। तो चलिए अब आपको करना क्या है कि एक चाइल्ड क्लास बनानी है, जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट के नाम से एक चाइल्ड क्लास बनाई जो कि इनहेरिट करेगी किसको, पर्सन को। तो पर्सन को इनहेरिट करने के लिए आपको पैरेंथेसिस के अंदर पर्सन लिखना पड़ेगा। अब देखिए, पैरेंथेसिस तो आपने लगा के यहाँ पेरेंट क्लास का नेम लिख दिया। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक मैं मेथड यहाँ बनाऊँ, जैसे इसी का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए पर्सन डॉट और जो आपने इनिट मेथड बनाया था, ठीक है, उस इनिट मेथड को आप यहाँ कॉल करा लीजिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ लिख रहा हूँ, सेल्फ के बाद मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक नेम डिफाइन किया, ठीक है, ब्रांच डिफाइन किया और एड्रेस डिफाइन किया। ये तीन वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, और ये जो आपको काम करना है ये डेफ कीवर्ड का यूज़ करके ही करना है, क्योंकि ये भी आपका एक मेथड है। तो डेफ और पर्सन डॉट इनिट, तो इसका मतलब कर क्या रहे हो आप, पर्सन के इस इनिट मेथड को आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक स्पेशल केस चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इनिट मेथड है जो कि कॉल हो रहा है आपके पेरेंट क्लास के, ये इसके कंस्ट्रक्टर में कॉल होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या, पहले आप सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो आपको वही तरीका है इनिट का यूज़ करके आप सेम क्लास कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर कर दिए, लाइक ब्रांच एंड एड्रेस, ये आपने डिक्लेयर कर दिया, और इसे यहाँ डिक्लेयर ना करके आप इनको एक बार स्किप कर दीजिए। यहाँ आपको करना क्या है, जैसे आप जानते हैं कि एक तो सेल्फ वहाँ यूज़ में आ सकता है, दूसरा आपने एक वेरिएबल दे रखा है नेम, तो आप नेम को कॉल कर लीजिए यहाँ, ठीक है, ये आपने लिख दिया def और इसके बाद पर्सन डॉट इनिट। आप मेथड को कॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ कॉलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डॉट नेम आपने यहाँ कर दिया, तो ये करेगा क्या, इस पर्टिकुलर इनिट मेथड को यहाँ पर ये कॉल कर लेगा। ये मेरा कोई नया मेथड भी नहीं है जिसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली पर्सन डॉट इनिट का यूज़ करके और सेल्फ नेम को कॉल करा लूँगा। अब मुझे दूसरे वेरिएबल भी अगर सेट करने हैं तो वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा सेल्फ डॉट ब्रांच, ब्रांच इक्वल टू ब्रांच, ठीक है, एक तो ये सेट कर दिया, सेल्फ डॉट और एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, तो ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए सेम क्लास के अंदर। और इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि एक क्लास और बना सकता हूँ, ये मैंने एक क्लास बनाई जिसका नेम मैंने रख दिया टीचर,
जो कि पर्सन क्लास को इनहेरिट करेगी, और ब्रांच की जगह मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक फादर नेम लिख दिया मैंने, जैसे ये फादर नेम और एड्रेस यहाँ इस तरीके से लिख दिया, और सेल्फ नेम से मैं पर्सन के मेथड को कॉल करा रहा हूँ, और इसके अंदर मैं चेंज करके कॉपी करता हूँ इसको, और ये मैंने फादर नेम यहाँ डिफाइन कर दिया और एड्रेस की जगह एड्रेस डिफाइन कर दिया। साथ के साथ मैं कुछ ऐसा भी चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर भी कुछ मेथड्स रहें, जैसे कि एक मेथड मैं और बना देता हूँ जिसे अपन मेथड ओवरराइडिंग भी बोल सकते हैं, गेट डिटेल्स, जो आपने ऊपर पेरेंट क्लास के अंदर भी बनाया हुआ है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सेल्फ को कॉल कर लीजिए, यानी कि सेम क्लास के मेथड को अपन कॉल करना चाह रहे हैं, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद आप इसे रिटर्न करा दीजिए या फिर प्रिंट करा दीजिए, सिंपल एक मेथड है अपना, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, प्रिंट, इसी तरीके से कॉपी कीजिए इनको, तीन बार कॉपी करके, एक तो सेल्फ नेम लिखा मैंने, फिर ब्रांच लिख दिया, और फिर इसके बाद मैंने एड्रेस लिख दिया। ओके, एक सिंपल सा मेथड बनाया है, और इस मेथड को डायरेक्टली मैं यूज़ में ले रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं टीचर के अंदर भी ये चीज़ यहाँ करना चाहूँगा, गेट डिटेल्स हेल्प, और इसके अंदर नेम की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ फादर नेम, और एड्रेस मैं यहाँ ले लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या करना है मुझे, तो चलिए ये मेरे मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर सक्सेसफुली यहाँ हो चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, इन सभी के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा ओबीजे स्टूडेंट, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, या फिर मैं ओबीजे पर्सन के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और इक्वल टू यहाँ लिख दिया मैंने पर्सन, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद आप प्रिंट करा सकते हैं ओबीजे पर्सन डॉट नेम, तो ये नेम को रिटर्न यहाँ कर देगा, या फिर नेम को ना रिटर्न करा के आप चाहें तो गेट डिटेल्स को भी यहाँ पर कॉल करा सकते हैं, जो कि आपने मेथड वहाँ बनाया हुआ है, गेट डिटेल्स, ये मेथड आपने बनाया हुआ है, तो इस मेथड को भी आप डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। पैरेंथेसिस भी लगाना जरूरी है, ये आपने मेथड बना दिया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट यहाँ डिफाइन करते जाइए। ओके, ओबीजे पर्सन की बजाय यहाँ आप लिखेंगे ओबीजे स्टूडेंट, और यहाँ जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अच्छा उसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे आप पर्सन को कॉल करा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई आर्गुमेंट तो पास करना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि पर्सन के अंदर जब हम कॉल करा रहे हैं तो इसके अंदर एक आर्गुमेंट है, इसके अंदर तीन आर्गुमेंट्स हैं आपके, और इसके अंदर भी तीन आर्गुमेंट्स हैं, तो आपको इन चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया योगेश, ठीक है, गेट डिटेल्स के अंदर मैं जानता हूँ कि दो तीन आर्गुमेंट मुझे पास करने हैं, जैसे मैंने लिखा विकास, दूसरा लिखा मैंने ब्रांच के लिए सीएसई, और तीसरा मैंने लिखा जयपुर। ओके, ये जयपुर लिख दिया, तो तीन आर्गुमेंट आपने यहाँ पास कर दिए, और स्टूडेंट करने के बाद, ओह सॉरी, ये मुझे यहाँ कॉल नहीं करने थे, माय मिस्टेक, आपको ये काम यहाँ करना है, यानी कि सेकंड जब आप इसे कॉल करा रहे हैं उसके बाद आपको ये काम करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ विकास, ठीक है, ब्रांच में लिखा मैंने सी एस ई, और लोकेशन एड्रेस के लिए मैंने लिखा जयपुर। ओके, ये तीन मैंने यहाँ पास कर दिए। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इस पर्सन को जब मैं यहाँ बना रहा हूँ टीचर के लिए, तो मैं यहाँ चेंज करके इसे कर देता हूँ टीचर, ये टीचर किया, इसमें मुझे करना क्या है, यहाँ स्टूडेंट करना है क्योंकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, और यहाँ मुझे टीचर को अप्लाई करना है। ओके, ये टीचर डॉट गेट डिटेल्स, और यहाँ मुझे फादर नेम में जैसे शर्मा लिख दिया मैंने, और एड्रेस में मैंने कोटा लिख दिया। ओके, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो देखिए मुझे क्या आउटपुट यहाँ मिलता है। कुछ एरर आ गया, गेट पर्सन हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट डिटेल्स, ओके कोई इशू है, गेट डिटेल्स स्पेलिंग इशू, लेट मी चेक इट, गेट डिटेल्स, और यहाँ जो मेथड आ रहा है गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स, माई मिस्टेक, मुझे यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो टीचर का बनाना है, तो टीचर विकास और इस तरीके से आप लिखेंगे, और इंडेंटेशन का आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि नहीं तो ये आपको एरर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको आउटपुट मिल गया। सबसे पहले आपको यहाँ योगेश मिल रहा है क्योंकि आपने इस मेथड को कॉल किया है पर्सन डॉट नेम को, फिर इसके बाद ये तीन इन आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न कर रहा है, विकास जयपुर सी ई सी और जयपुर, और तीसरा आपको ये विकास शर्मा और ये वैल्यू रिटर्न यहाँ कर रहा है। तो एड्रेस की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो सकती है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसके जैसे आपने टीचर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर जो एड्रेस डिफाइन किया हुआ है और यहाँ जो एड्रेस है, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा इसको, सेल्फ डॉट फादर नेम और ये इनिट, अच्छा पर्सन को आपको यहाँ कॉल करने की यानी कि यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।